हे मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान क्यों दिया है? तो हे मेरे प्यारे बच्चे, आध्यात्मिक ज्ञान इंसान को, मानव को धर्म की ओर लेके जाता है, जहाँ पर वो इंसान, वो मानव इतना परिपक्व हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि उसकी सकारात्मक ऊर्जा अधर्म का नाश करने के लिए पैदा हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, ये आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम अपने सकारात्मक ओरा से, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से अपने आसपास हो रहे अधर्म का नाश कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म का ज्ञान दिया था, वैसे ही जब तक अर्जुन को अध्यात्म का ज्ञान नहीं था, वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म का ज्ञान दिया और उसको धर्म और अधर्म का ज्ञान सिखाया, तब अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो गया और उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ स्वयं परमात्मा थे। तो जो आध्यात्मिक जर्नी में होते हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं, उनके साथ भी स्वयं परमात्मा होते हैं। इसीलिए कोई भी नकारात्मक शक्ति उनको हरा नहीं सकती। अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता है ताकि आप स्वयं के लिए जी सकें, अपने मान सम्मान की रक्षा कर सकें, अपने आप को एक राजा की भांति जी सके। इसलिए हे मेरे प्यारे बच्चे, अध्यात्म का ज्ञान मैंने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भीतरी, तुम्हारे अंदरूनी शक्तियों को जागृत करके तुम्हें एक राजा की भांति जीवन जीने के लिए प्रदान किया है। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम एक महान पुण्य आत्मा हो, तुम योग्य हो, हर एक काम को करने में सक्षम हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रस्त किया है। मेरे प्रिय, और तुम इसी आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने जीवन में अधर्म का नाश करोगे, धर्म का प्रचार करोगे, तुम्हारे भीतर की सद्भावना समस्त प्राणियों के लिए एक जैसी है, तुम्हारे भीतर भेदभाव का किंचित मात्र भी कोई स्थान नहीं है। मेरे प्रिय, और तुम्हारी यही स्पेशलिटी तुम्हें बहुत ही पुण्य बनाती है, तुम्हें एक पवित्र आत्मा बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे।